अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करने के बाद आज से हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेसिकली हम डेरिवेटिव के रूल्स को सीखेंगे। डिफरेंशिएशन करने के लिए, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए रूल्स को यूज़ करेंगे। इससे पहले जो हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने डेफिनेशन को यूज़ किया था फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो उस डेफिनेशन वाला वो थोड़ा काम हेक्टिक था, थोड़ा लेंथी था, तो उस डेफिनेशन की मदद से हमने कुछ रूल्स बना लिए हैं, कुछ 3-4 रूल्स हैं, उनको देखते हैं। आज के इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो कॉन्स्टेंट के लिए है। कोई भी कॉन्स्टेंट अगर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। इनफैक्ट इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल थी हमारी 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जिसमें हमने डेफिनेशन की मदद से ये सीखा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो सिफर होता है, यानी डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर एनी कांस्टेंट, हम जनरली इसको सी लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होता है? सिंपल सी बात है, देखें डेरिवेटिव का मतलब है चेंज और कांस्टेंट का मतलब है नो चेंज, राइट। सो सिंपली सिफर हो जाता है ये, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता। सेकंड जो रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, विच इज कॉल्ड पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। नाम से ही पता चल रहा है, जब आपके पास वेरिएबल की पावर में कुछ आ जाए, जैसा फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है। अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 2.1 में इसको हमने जनरली प्रूव किया था, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दिस इज इक्वल टू, आपने एन को नीचे उतार लेना है और एन से एक कम करके वो एक्स की पावर में आ जाएगा, राइट। जैसे अगर एक्स क्यूब का देखा जाए, एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब ये सिंपली आ जाएगा 3 स्टार्ट में और 3 से कम करके वो पावर में लिख दें, जो कि 2 बन जाएगा अल्टीमेटली, दैट्स इट। देखें ना, एक स्टेप में हो गया। एक तरीका तो ये था आप डेफिनेशन यूज़ करें, दूसरा ये तरीका है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज़ द पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। स्केयर का करेंगे वो क्या आ जाएगा, वन नहीं बता सकते हैं, 2 पहले और पावर से कम करें तो 1 बचेगी, तो वो 2x आ जाएगा। इसी तरह किसी भी रियल नंबर के लिए आप इसको यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक छोटी सी चीज़ में याद रखने वाली ये है कि ये है x की पावर n के लिए, यानी जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। वैसे तो इस टॉपिक को जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिटेल में करेंगे, विच इज़ कॉल्ड चेन रूल, लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता दूँ, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से आ जाता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इट्स पावर समथिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4 ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। इसके डेरिवेटिव के लिए तरीकाकार बिल्कुल सेम है, बट आपको एक एक्स्ट्रा काम छोटा सा और करना है। वो क्या करना है, उससे पहले हम ये रूल अप्लाई कर लें, 4 स्टार्ट में आ जाएगा और 4 से हम करेंगे एक कम, जो कि बन जाएगा 3। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो जिसकी पावर आ रही है ना, ये फंक्शन है, इसका अलग से डेरिवेटिव लेना है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। इसको कहते हैं चेन रूल। ये हम एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटेल में इसको देखेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके कुछ इससे रिलेटेड भी हैं, होने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने दिए हुए हैं तो हम फिर इसको भी यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसका अलग से अब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उसके लिए ये एक बार एज इट इज़ लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर आ जाएगी 3। अब ये देखिए ना, दो फंक्शंस ही कह लें, इनको सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। ये भी एक रूल है, मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका भी। देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव सेपरेट आ जाएगा, लीजिए जी, ठीक है। अब फर्दर एक और स्टेप हमें करना पड़ेगा, 4 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 भी एज इट इज़, जबकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल जो अभी हमने सीखा है, 2 स्टार्ट में और पावर से कम कर दें तो वो 1 बन जाएगा, माइनस 1 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिफर होता है,
टू एक्स में से ज़ीरो माइनस करें, ख़त्म हो जाएगा। अब टू एक्स को लें आप स्टार्ट में, फोर से मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी एट एक्स मल्टीप्लाई एक्स को माइनस वन क्यू, दैट्स इट। ये है जनाब इसका आंसर। इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह से हम फाइंड करेंगे, क्लियर है? ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, इसके बाद वैसे हम यूज़ कर चुके हैं इसका सम या डिफरेंस रूल कह लेते हैं उसको, यानी अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हों या ऐड हो रहे हों उस केस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फ़र्ज़ करें एक एफ फंक्शन है, दूसरा जी है, मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का ना इकट्ठा ही कर देता हूँ, तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, आप डायरेक्टली इस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है? डेरिवेटिव पहले आ जाएगा एफ का उसी तरतीब के साथ, दरमियान में प्लस होगा प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, साथ में आप डेरिवेटिव कर देंगे जी का। एक और नोटेशन भी यूज़ की जाती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली एफ प्राइम एक्स प्लस माइनस जी प्राइम एक्स। तो इसको हम सम रूल कहते हैं या फिर इसको डिफरेंस रूल कहते हैं डेरिवेटिव का, ठीक है? तो आप इसको बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम इज द सम ऑफ डेरिवेटिव्स, यूँ कहा जा सकता है इसको, ठीक है? अच्छा, अब अभी तक वैसे हमने एक ही रूल सीखा है काम का था, जो बेसिकली दिस वन, ठीक है? एक और रूल इसके बाद हमने ये सीख रहे हैं विच इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल। नाम से ही वैसे तो पता चल रहा है, कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल। जब आपके पास किसी भी फंक्शन के साथ कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा हो, अगर तो अकेला कॉन्स्टेंट हो, हम सीख चुके हैं डेरिवेटिव सिफर होगा, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टेंट जो है वो किसी एक फंक्शन के साथ आ रहा हो मल्टीप्लाई में, जैसे 2x है 4x स्क्वायर है, इस तरह के फंक्शन को कैसे डील करेंगे? इसके लिए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट को आपने कुछ नहीं करना, साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का, वो जो भी होगा, ठीक है? ये आप अलहदा से फाइंड कर सकते हैं इस पर जो भी रूल लगता होगा, राइट? कॉन्स्टेंट को इसमें ज़ीरो नहीं करना, कॉन्स्टेंट जब अकेला होगा तो ज़ीरो होगा, अगर किसी फंक्शन के साथ होगा तो ज़ीरो नहीं होगा, वैसे ही साथ हो आ जाएगा, ठीक है? अब आ गए दो मेन रूल हमारे जो आगे यूज़ भी होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, जिसमें से एक है प्रोडक्ट रूल। मुश्किल नहीं है, आसान है, प्रोडक्ट रूल लीजिए। प्रोडक्ट रूल नाम से पता चल रहा है, जब आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए, एक फंक्शन को हम f कह देते हैं, दूसरे को हम g बोल लेते हैं, तो जनाब इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका तरीका क्या है, आपने ऐसे नहीं करना दोनों का डेरिवेटिव उसका मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? जैसे एडिशन के केस में किया था, इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो इसमें आपने क्या करना है, किसी अपनी मर्जी से एक फंक्शन को एज इट इज़ रखें, चलिए हम f को ही रख लेते हैं, g का डेरिवेटिव g प्राइम, राइट? प्लस पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था अब उसको एज इट इज़ रख लें, और जिसको एज इट इज़ रखा था यानी एफ को, उसका डेरिवेटिव ले लें। दैट्स वेरी सिंपल, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है? एक फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद में जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज़ रखें, और जो एज इट इज़ था उसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है? चलें इसकी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स से आई हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू, इनफैक्ट ये आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 है, ओके, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 7। अब देखें इसका एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, इनफैक्ट आपकी बुक में उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, ये पावर रूल की इसको एग्जाम्पल दी हुई है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को सेपरेट फंक्शन ट्रीट करें, ठीक है? इसको हम कह देते हैं दिस इज़ लेट्स से एफ ऑफ एक्स, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम जी का नाम दे देते हैं, राइट? हाँ जी, तो क्या डेरिवेटिव बनेगा फिर इसका, डी वाई बाई डी एक्स, ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एफ को आपने रखना है एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और जी का यानी जो सेकेंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस साइन, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव लिया हुआ है, अब की बार इसको एज इट इज रखें और डेरिवेटिव ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का,
विच वुड बी डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, राइट। नेक्स्ट स्टेप में अब आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एज इट इज। डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर सम रूल अप्लाई होगा, यानी कि सेपरेट हो जाएगा दोनों के लिए डेरिवेटिव, सेवन का अलग से डेरिवेटिव, राइट। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन फिर से एज इट इज, और डेरिवेटिव इनके लिए भी सेपरेट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ फाइव लें जी। ओके, अब हम इस पे रूल अप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव तो खैर एज इट इज ही नीचे आ जाएगा, जबकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्योंकि पावर है, एक्स की पावर है, पावर रूल अप्लाई कर दें, टू स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से आप एक कम कर दें, टू माइनस वन, जबकि सेवन इज अ कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एज इट इज, और अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, फिर से पावर रूल लगाइए, पावर स्टार्ट में और पावर से आप एक कर दें कम, इसी तरह फाइव अगेन कॉन्स्टेंट है, उसका भी डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा। तो फर्दर अगर आप इसमें देखें तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, और यहाँ से बनेगा 2x, 2 माइनस वन वन होता है, जीरो ऐड होके ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, और उसके साथ में आ जाएगा 2x और सिफर ऐड हो गया। और ओके, अब आप देखें इनमें से फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बाकी बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, और यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। फर्दर इसको ऐड कीजिए तो दिस इज गोइंग टू बी 2x स्क्वायर प्लस 12। अगेन आप इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो जब आप कॉमन लेंगे तो वो इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, तो द फाइनल आंसर वुड बी 4x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 6। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसमें दूसरे तरीके से करें, मतलब आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें देन सिंपली पावर रूल, वो भी आसान तरीका है, बल्कि मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा आसान वही तरीका है, बट चूंकि हमने एक एग्जांपल करनी थी, समझना था प्रोडक्ट को, तो इस वजह से मैंने आपको उसके थ्रू कर दिया। ओके, वन लास्ट रूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कॉल्ड क्वेश्चेंट रूल, विच इज कॉल्ड क्वेश्चेंट रूल ऑफ डेरीवेटिव। क्वेश्चेंट नाम से पता चल रहा है, दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे हों इन द फॉर्म एफ ओफ एक्स ओवर जी ओफ एक्स, ठीक है, फ्रैक्शन में आ गए, तो इसका डेरीवेटिव कैसे लिया जाए। अब इसमें भी आपने ये काम नहीं करना, ऊपर वाले का अलहदा डेरीवेटिव, नीचे वाले का अलहदा, राइट, दिस इज नॉट द केस। इसका तरीकाकार ये होगा कि आप के पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन पड़ा हुआ है उसको नीचे ही रहने दें और उसका स्केयर कर दें, ठीक है, और उसको ऊपर एज इट इज लिख लें। अब न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और दरमियान में है नेगेटिव साइन, और अब ऑपोजिट कर दें, मतलब एफ का पहले डेरिवेटिव लिया था, अब एफ को एज इट इज, जी को पहले एज इट इज रखा था, जी का डेरिवेटिव, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आपको नज़र आ रहा है नीचे वाला, इसका आपने नीचे ही स्केयर कर देना है और इसको ऊपर एक मरतबा एज इट इज़ रख देना है। बाकी तकरीबन मिलता जुलता है प्रोडक्ट रूल से, दरमियान में साइन नेगेटिव का है, वैसे ही है, बाकी आपने पहले जी ऑफ एक्स एज इट इज़ रखा, एफ का डेरीवेटिव, फिर एफ एज इट इज़, जी का डेरीवेटिव, बट दरमियान में नेगेटिव साइन है, तो दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन रूल। तो चलें अब लास्ट पे हम एक एग्जांपल इसकी भी सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर हमारी प्रैक्टिस जो है वो एक्सरसाइज में होगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू x, सिंपल सी चलें एग्जांपल ले लेते हैं हम, x ओवर लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब देखें अगेन फ्रैक्शन में फंक्शन आ गया, आप इसमें f को ले सकते हैं x, ये वैसे करना नहीं आपने, जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, और नीचे वाले को हम g कंसीडर कर लेते हैं,
ठीक है, तो क्या डेरिवेटिव होगा फिर आपका यूजिंग क्वोशेंट रूल, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, सबसे पहला जो आपने काम में पहले भी बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे ही स्क्वायर कर देना है, लेकिन नीचे वाला काम हो गया ख़त्म। अब इसी को उठा के स्केयर के बगैर, स्केयर नहीं एज इट इज़ फंक्शन को आपने ऊपर रखना है और न्योमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा, इस केस में वो है एक्स, दरमियान में नेगेटिव साइन और फिर एक्स एज इट इज़ और जी का डेरिवेटिव जो आपने स्टार्ट में रखा हुआ है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन विच इज़ इन दिस केस एक्स स्केयर प्लस वन। नहीं जी, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और ये एक्स स्केयर प्लस वन ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव होता है सिंपली वन, नेगेटिव साइन, ये एक्स भी एज इट इज़ और ये डेरिवेटिव अंदर अप्लाई हो जाएगा दोनों के लिए सेपरेट, एडिशन रूल, एक्स स्केयर का अलग डेरिवेटिव और वन इज अ कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा साथ में, एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाय ओके ऑलराइट एक्स स्केयर प्लस वन का होल स्केयर। नीचे वाले को अमूमन हम एज इट इज ही लेके चला करेंगे, उसको स्केयर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके अगेन आ जाए, वन मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई, डेरीवेटिव क्या होगा एक्स स्केयर का यूजिंग पावर रूल टू स्टार्ट में और पावर से एक कम कर दें, टू माइनस वन कर दें और वन इज अ कॉन्स्टेंट डेरीवेटिव सिफर बन जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर जो कि थ्रू आउट ऐसे ही रहेगा। लास्ट पे आप देख सकते हैं अगर कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, अदरवाइज इसको ओपन नहीं करने की जरूरत। ओके तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से देखिए ये बनेगा माइनस सॉरी टू एक्स, टू माइनस वन वन होता है ना, तो ये एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी वन सॉरी माइनस टू एक्स स्क्वायर, एंड दिस डिवाइडेड बाय अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो न्यूमिरेटर में वी हैव वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। लीजिए जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई, यू कैन राइट वाई प्राइम या फिर डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से आप क्वोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए इतना ही बेसिकली। चलिए हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखें दो रूल आपके या तीन रूल याद करने वाले हैं, एक पावर रूल, दिस इज द पावर रूल, और इसमें भी मैंने आपको बताया था पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से कम कर देंगे, लेकिन अगर कोई फंक्शन की पावर आ जाती है जैसे यहाँ पर था, तो फिर आपको साथ में एक एक्स्ट्रा काम ये वाला करना पड़ेगा, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड चेन रूल। ये हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 में। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप ऑब्जर्व करें ना, तो इस फॉर्मूले में भी बेसिकली ये काम हो रहा होता है, एक्स का डेरिवेटिव आपको सेपरेटली लेना होता है, लेकिन चूंकि वो वन होता है एक्स का डेरिवेटिव, तो हम नहीं लिखा करते। अच्छा, एक और चीज़ शायद मैं आपको बताना चाहिए थी, खाली एक्स आ जाए ना, इस पर भी हम वैसे पावर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, इसकी पावर वन है, वन को शुरू में लिख दें और इसकी पावर में से कम कर दें, तो ये बन जाएगा वन मल्टीप्लाई एक्स की पावर ज़ीरो, एक्स की किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होती है वन, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो अगर खाली x आ रहा है कहीं पर, तो उसका सीधा सीधा डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये भी याद रखा जा सकता है। तो ये पावर रूल हो गया। दूसरे नंबर में हमने सीखा था कॉन्स्टेंट मल्टीपल, विच इज़ वेरी सिंपल, प्रोडक्ट रूल, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज़ और सेकेंड का डेरिवेटिव, राइट, मतलब इंटरचेंज करके। लास्ट में फिर हमने क्वोशेंट रूल सीखा था, तो ये तीन रूल है मेनली जिसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, बहरहाल वैसे उससे ज़्यादा आसान है काम जो पहले हम लिमिट वाली डेफिनेशन को यूज़ करते थे, एक्चुअल डेफिनेशन वही है, उन्हीं की मदद से ही ये रूल्स, ये फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में क्लोज करते हैं, अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।